हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज डेट है 19 मई और दिन है आज मंगलवार। तो यहाँ पे सुबह के मेरे काम चल रहे हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। तो एक बार डस्टिंग जो होती है पहले झाड़ू से, पहले वो मेरी हो चुकी थी। ये दूसरी वाली थी जो झाड़ू के बाद में करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ जैसे अभी कॉलिंग से मुझे ये पूछने हैं। ये तो भाई सभी लोग ऐसे ही करते होंगे शायद, कि झाड़ू के बाद ही करते होंगे ये कॉलिन से ड्रेसिंग टेबल, टीवी वगैरह ये सब चीज़ें पूछना। और फिर भी मैं वैसे भी कॉलिन से ना करो फिर भी एक बार ज़रूर करती हूँ मैं झाड़ू के बाद में, क्योंकि झाड़ू के बाद थोड़ी थोड़ी सी जो रज होती है ना, हम लोग रज बोलते हैं उसे, वो रही जाती है हल्की हल्की सी। आप झाड़ू के बाद देखो हाथ लगाओगे जहाँ भी अलमारी वगैरह में, तो थोड़ा सा आपको दिखेगा। और मेरे को प्रॉब्लम है जैसे मेरे दांत किस किस आने लगते हैं, जहाँ भी थोड़ा सा जो रह जाती है ना रस, तो मेरे को दांत किड़किड़ाने लगते हैं। तो बस उसके बाद मैं कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज बच्चे सो रहे हैं, आप कहती हो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करती हो, तो हाँ आज मुझे जल्दी थी थोड़ी सी, इसलिए मैं कर रही थी। क्योंकि आज था हमारा व्रत और व्रत वाले दिन ये रहता है कि जल्दी से नहा धोकर पूजा पाठ कर ली जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, जल्दी से काम करके। बच्चों का तो फिर ये है ना, 9-10 बजे तक सोते हैं अभी छुट्टियों में, 9 भी बज जाएँ, 9:30 भी बज जाएँ, तो मैंने कहा इनके चक्कर में लेट होंगी। फिर मेरा तो चलो कुछ नहीं है, हो भी जाता है, पर ये भी साथ में रहते हैं ये वाला व्रत, तो फिर लगता है कि भाई जल्दी से पूजा हो जाए तो इनको भी कुछ खाने को जल्दी से दे दिया जाएगा। नहीं तो हम लोगों को तो आदत होती है कि भाई लेट से खा लेते हैं, लेकिन इनको नहीं होती है। तो इसीलिए मुझे जल्दी थी यार थोड़ी सी, इस वजह से मैंने आज बच्चों को सोने दिया है और अपना मैंने काम निपटा लिया है। तो यहाँ पर मेरी वो सब हो गया था काम, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोंछा। और पोंछा वगैरह लगा करके मैं सीधा फिर नहाने जाऊंगी। और जैसे कि बताया मैंने, नीचे मैं अभी आज करके आ गई थी, पहले ही मैं बता रही थी ना कि आज जल्दी थी इसलिए, वरना मैं ज़्यादातर ऊपर ही करती हूँ पहले। पर अभी तो मेरा ऐसे ये समझ लीजिए कि फ़िलहाल मैं कभी ऊपर कभी नीचे पहले हो जाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चों का लेट होता है तो फिर कभी कभी नीचे पहले ही कर जाती। नहीं तो मैं हमेशा पहले ऊपर करती थी फिर नीचे, क्योंकि नीचे ऊपर की रश जो है वो नीचे जाती थी गंदगी, इसलिए पहले मैं ऊपर फिर नीचे। पर अभी सब चल रहा है तो यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह सब लग चुका है। पोछा मैं इसी तरीके से ज़्यादातर लगाती हूँ क्योंकि कमर में दर्द रहता है मेरे में। और यहाँ पे बस पोछा ख़त्म करने के बाद मैं चाहूँगी सीधा नहाने। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं आई हूँ नहा के, काम करके नहा के सीधा आई हूँ। मैंने कहा आप लोगों से पहले बात करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे। और आज मुझे थोड़ा सा आराम है अपने छालों में, थोड़ा नहीं बहुत आराम है। और होता भी कैसे नहीं भाई, आप जैसे लोग हों, आप जैसे चाहने वाले हों, और इतनी सारी दवाइयाँ आप लोगों ने बताई ना, वो कहते हैं दवा से ज़्यादा दुआ का असर होता है। आप लोगों ने तो दवा भी मुझे बहुत सारी बताई और मैंने सच बताऊँ सारी ट्राई की, बस एक नारियल वाली छोड़ के, क्योंकि नारियल मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने कोलगेट भी लगाया, सौंफ मिश्री भी खाई और घी भी लगाया। और गर्म पानी तो मैं वैसे भी पीती ही पीती हूँ, वो मेरी डेली रूटीन में शामिल है, सुबह उठते गर्म पानी पीती हूँ मैं, ये तो मेरा है। तो वो सब मेरा सब कुछ किया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम है, मतलब 90% आराम मुझे समझ लो है। वीडियो आज भी नहीं गया था, वीडियो कल भी नहीं गया था, और फिर मुझे लग रहा था कि मुझे आराम है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि भाई ये जो आपका प्यार है ना, तो ये मजबूर कर देता है कुछ मतलब करने के लिए आपके लिए। ये लगता है कि नहीं भाई वीडियो बनाऊँगी, आप लोग इतना के वो करते हो, चिंता में हो कि क्या हो गया, जल्दी से आपके छाले ठीक हो जाएँ। तो बस अभी नहा के, पूजा हुई नहीं है, आज व्रत है, इनका भी है मेरा भी है, इसी वजह से काम आज जल्दी कर लिया था। जैसे पता है बच्चे सो रहे थे फिर भी मैं काम कर रही थी, इसी वजह से कर रही थी, क्योंकि इनका ये लगता है कि भाई ये नहा लेंगे जल्दी, पूजा पाठ हो जाएगी तो इनको कुछ खाने पीने को भी जल्दी मिल जाएगा। हम लोगों का तो आदत है, होती है इतना, तो चलिए हम डेली भी नहीं खाते तो व्रत में तो कोई सवाल ही नहीं होता, बस इन लोगों की वजह से जल्दी करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आज। और आज से मैंने कुछ सोचा है कि जैसे मैं सोच रही हूँ जो मुझसे नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं ना, मैं उनके नाम लिया करूँगी लास्ट में अपने सब्सक्राइबर के,
जो भी मुझसे नए नए जुड़ते हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो उनके मैं नाम नोट करके फिर डेली लिया करूँगी कि कौन कौन सब्सक्राइबर मुझसे नए जुड़े हैं। तो आप बताइएगा ठीक है या नहीं ये। तो मेरा मन किया था ये करने का, मुझे अच्छा लगता है। और अभी राघव अभी अभी सो के जगे हैं, तो इनका ये ग्लास रखा है यहाँ पे, दूध पिया है इन्होंने अभी बहुत लेट। और इधर गेम चल रहा है कृष्णा का, कृष्णा नहा लिया था, रघु का ये बहुत, इसको भी पता है ना, मतलब मैं परेशान रही और राघव का मेरा बिल्कुल एक जैसा हिसाब है, इसके भी छाले हो रहे थे और इसको फीवर भी आ गया था दो दिन, तो वो भी परेशान रहा था, अभी उसको भी आराम है आज। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आज मेरी किचन अलग है, और ये मैंने रूम में ही रख रखा है, स्टोव है ये, गैस तो थी नहीं, स्टोव है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ आज पाव भाजी, बच्चों का मन पाव भाजी का था, तो मैंने इसमें कढ़ाई में डाला है मक्खन। और मैं से कह रही थी यहाँ पे खिड़की खोल दे क्योंकि एकदम से धुआं भर गया था। मक्खन डालने के बाद मैंने डाला है टमाटर, प्याज मैंने डाला नहीं है क्योंकि आज मेरा व्रत था तो मैं नहीं बनाऊंगी प्याज। और इसमें डाल दिए हैं कुछ मसाले, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, और थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाला है मैंने। तो आप सोच रहे होंगे कि आज आपकी किचन अलग क्यों है, आज मैंने इसे भी टाइटल में भी बताया कि आज मेरी किचन अलग है, तो इसलिए है क्योंकि आप बहुत लोग, आप शायद जानते भी होंगे, बहुत लोग आप इसको ये भी कहेंगे कि आज के टाइम में भी ऐसा। तो जी मेरे यहाँ मतलब जो मंथली प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, आपको पता होगा, उसमें उसकी टाइम में हमारे यहाँ खाना वाना नहीं बनाते हैं किचन में। और फिर बच्चों का मन था पाव भाजी का, तो मम्मी तो भाई नहीं बना पाती हैं ये सारी चीज़ें, मम्मी कहती हैं कि भाई मैं नहीं बना पाऊँगी, तो फिर उन्होंने साफ साफ मतलब बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मा आज हमें खाना है, एक्चुअली ये ले आए थे पाव, पाव ख़राब होते, और इधर फ्रिज तो था नहीं, इस वजह से कि फ्रिज में रख देती मैं, पाव ख़राब हो जाती, तो फिर मम्मी बोली भाई तुम अपने बच्चों का अपनी बना लो अलग, वो सब मैं दे दूँगी, मसाले वगैरह जो होते हैं वो सारे। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पाव भाजी रेसिपी शेयर इसलिए नहीं की कि मैं कई बार कर चुकी हूँ, दो बार कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी शेयर। तो मैंने यहाँ सिर्फ वो भाजी जो है आलू से बनाई है, क्योंकि सब्ज़ी कोई भी नहीं थी, सिर्फ आलू थे और टमाटर थे, बाकी सारे मसाले थे, पाव भाजी मसाला वगैरह वो सब मैंने डाल दिया था। तो इसी वजह से आज मेरी किचन जो है अलग है, क्योंकि मैं बच्चों का मन भी नहीं मार सकते हैं, मम्मी ऐसी वैसी चीज़ नहीं बना पाती हैं बच्चों की, उन्होंने खाना वाना अपना बनाया था और हम लोगों का व्रत का भी बनाया था। तो इस वजह से मैंने अपनी आज फिर स्टोव रख लिया है यहाँ पे इस वाले रूम में, और सारे मसाले वगैरह मम्मी ने मुझे दे दिए थे, और कृष्णा मेरी साथ के साथ आप देख रहे थे हेल्प करता जा रहा है, कभी कुछ ला के दे रहा है, मैं भी कभी कुछ ला के दे रहा है। तो फिर देखिए हमारे यहाँ नहीं होता है तो फिर नहीं करती हूँ, मैं भी नहीं करती, जब कुछ है तो कोई ना कोई बात होगी। तो फिर जब जिस घर में भगवान जी की पूजा होती है उस घर में तो विचार ज़रूर होना चाहिए इन दो तीन दिन के लिए, क्योंकि भाई जो सारे सामान को हम छूते हैं, फिर कोई ना कोई बात तो है, जब पूजा नहीं करते हैं इन दिन तो कोई ना कोई बात तो होती है। तो बस यहाँ पे मेरी जो है पाव बच्चों की वो भाजी तो बन गई थी, मैंने सोचा मैं कढ़ाई में सेक लूँगी, पर कढ़ाई में वो जल रहा था, फिर मैंने तवा मंगाया कृष्णा से, तो यहाँ पर मेरी पाव भाजी तो सॉरी बन गई थी, पाव मैं सेक रही हूँ, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं दोनों। और बच्चों की जो कहते हैं ना बाल हट जो होती है वो नहीं तोड़ी जा सकती है, बाल हट तो ऐसी होती है, आपको पता है भगवान कृष्ण ने भी चंदा देखने मांगने के लिए कहा था, बाल हट तो ऐसी होती है कि इसके सामने सबको हारना पड़ता है। तो बस यहाँ पे, और फिर ऐसे बच्चों को तो अपने को बना के खिला सकते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए पाव भाजी बन के बच्चों की तैयार है, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी मैं सच बताऊँ आपको, प्याज यहाँ मम्मी ने काट दिया था, तो बच्चों के लिए पाव भाजी तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए, ज़्यादा वैसे तो नहीं है, सिर्फ आलू से बनाई है मैंने, पर फिर भी ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चे अपना खा रहे हैं, और बना दिया है इनके लिए, वही है ना कि मम्मी नहीं कर पाती भाई ये वाले काम, नहीं बना पाती, बच्चों का मन था, और मम्मी वहाँ बना रही है हमारे लिए मतलब फलार, फलार जैसा कुछ नहीं था, ये बोले फल ले आऊँगा मैं, खा लो भाई राघव खिला रहा है, तो फल ले आऊँगा, और मम्मी ने दही में आलू कर दिए थे, बस सिंपल यही बहुत है एक टाइम के लिए, शाम को खाना बन ही जाएगा। तो अच्छे बने हैं ना, कैसा बना है बेटा भाजी, कैसी बनी है भाजी, मेरे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि सिर्फ आलू आलू से बनाई है मैंने, कुछ सब्जी नहीं, अच्छी बनी है, चलो बढ़िया, मन रह गया बच्चों का, और क्या है अभी। तो यहाँ पे ये पूजा कर रहे थे क्योंकि भी हम दोनों ही व्रत रखते हैं, तो पूजा पाठ अभी कोई भी करे, मैं करूँ या ये करे, तो पूजा कर रहे थे, इन्होंने मना किया था कि नहीं मेरी क्लिप मत बनाओ, मैंने कहा नहीं बनाने दो भाई,
आज मैं वैसे तो मैं नहीं ज़्यादातर बना पाती, पर आज मैं बाहर से इनकी क्लिप बना रही थी पूजा की। तो इसमें कथा वथा पढ़ी जाती है ना, तो कथा ये है कि मैं बाहर से दूर से सुन लूँगी, तो बस यहाँ पे ये अपनी लेके बैठ गए थे जो प्रदोष की कथा है वो। मम्मी बना रही है खाना, दोनों लगे मम्मी बेटा आज खाना बनाने में। आज बनाई मम्मी ने आलू टमाटर की सब्जी और पराठे। क्या हुआ? लड़ो मत। ये खड़े भोग लगाने के लिए तैयार। अभी मैं थाली भी दिखाऊंगी मम्मी ने जब बनाया है ना। दिक्कत होती है थोड़ी सी मम्मी को सामान ढूंढने में। खोल दो। हाँ अच्छी अच्छी सी पर्स ना, अच्छी अच्छी सी। तो ये बनाया था आज मम्मी ने खाना, आलू टमाटर की सब्जी, पराठे और दही बूरा। ये थाली भोग की इन्होंने ये क्लिप बनाई थी। तो अब आ गई है वीडियो को एंड करने की बारी, और आपको बहुत ज़्यादा तो मैं आप आज नहीं दिखा पाई हूँ, आपको पता ही है, मैंने बता दिया था आपको, इसलिए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब मैं लेने वाली हूँ अपने सब्सक्राइबर के नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना शुरू में ही, कि मैं आज से अपने सब्सक्राइबर के जो मुझसे नए जुड़ते हैं मैं उनके नाम लिया करूँगी। तो अभी जो फ़िलहाल में नए जुड़े हैं उनके मैं नाम ले रही हूँ, तो अगर कोई रह जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट करके कि हमारा नाम रह गया। नए मतलब सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हैं, उनके नाम मैं लेती रही हूँ बीच बीच में, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो जुड़े हैं नए नए जो मुझे कमेंट करते हैं उनके नाम मैं ले रही हूँ। अभी थोड़ा सा छाला है, हाफ मतलब दिक्कत थोड़ी सी हो रही है मुझे। तो सबसे पहला नाम आता है मिथिलेश गुर्जर, और दिनेश वारी सिन्हा जी, प्रीति जी, श्वेता शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी, कुंज सावा जी, प्रीति गुप्ता जी, निरंजन सिंह जी, निशामा ही जी, सामंथा बॉल जी, लता शर्मा जी, अंजू बजाज जी, पूनम अमित आहूजा, ये सारे नाम हैं। तो इसमें कल मुझे कमेंट आया था शायद दिनेश वारी शन्ना का, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप गले में कुछ पहना करो। तो देखिए गले में मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ, गर्मी में मुझे प्रॉब्लम होती है पहनने में, और वैसे भी मुझे गले में वो जो होता है ना गोल ही पहन पाती हूँ, आर्टिफिशियल तो मैं कभी पहन ही नहीं पाती, और गर्मियों में गोल्ड भी नहीं पहन पाती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी पतली सी चैन डाली थी, उससे भी यहाँ पे गले पे मेरे रेड रेड हो गया था, मुझे प्रॉब्लम होती है। और पहनने में भी सिर्फ मुझे मंगलसूत्र और चैन ही पसंद है, गले में ये नेकलेस वगैरह पहनना मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन हाँ पहन लेती हूँ कभी कभी। तो आप सभी का दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद मेरे परिवार में जुड़ने के लिए। ये हमारी YT फैमिली मतलब आप सभी के सहयोग से ही आगे बढ़ेगी, आप सभी के सहयोग से ही बड़ी बनेगी। तो बहुत बहुत दिल से थैंक यू, हमारे सब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, आप हमारे चैनल से जुड़े, और अपने अच्छे अच्छे अनुभव भी मेरे साथ शेयर किया करो, मतलब मुझे बताया करो जैसे आपको कुछ कमी लगती है तो मेरे चैनल पे, या कुछ आपको लगता है कि मैं और इसमें सुधार करूँ तो आप मुझे प्लीज़ अच्छे से बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक फैमिली के मेम्बर एक दूसरे की कमियाँ बताएंगे तभी तो हम आगे सुधरेंगे ना, वो कमियों को सुधारेंगे। तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मतलब एक सब्सक्राइब करना वो बात अलग होती है, लेकिन सब्सक्राइब करके कमेंट करना, वीडियो को देखना, ये बात एक अलग होती है, वो सच में जुड़ते हैं हम लोगों से। वीडियो को देखना, उस पर कमेंट छोड़ना, उसे लगता है कि हाँ आप हमारी फैमिली के मेम्बर हो, मुझे तभी तो पता चलता है जब मुझे कमेंट करते हो आप कि आप ये जो लोग मुझसे जुड़े हैं, और एक फैमिली हमारी बड़ी होती जाएगी आप सभी के सहयोग से ही बड़ी होगी। तो आप सभी का फिर से एक बार दिल से थैंक यू जुड़ने के लिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। और तो चलिए, और जिसका भी नाम रह गया हो तो प्लीज़ उस बुरा मत मानिएगा, मुझे जितने भी नाम मिले हैं मैंने वो जो नए नए नाम हैं, पुराने जो हैं उनके मैं लेती रही हूँ साथ के साथ, लेकिन अभी जो नए नए जुड़े हैं फिलहाल में उनके मैंने नाम लिए हैं। अगर आपको लगे कि मेरा नाम रह गया तो प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा, मैं नाम ले दूँगी। तो चलिए बाय, टेक केयर राधा, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर राधे राधे।